नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका दोस्त क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है दोस्त एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 16 ग्राम मास है। तो 16 ग्राम मास विश्लेषण करने पर पाया गया है कि कार्बन के पास 24 ग्राम है, हाइड्रोजन के पास 4 ग्राम पाया गया है और ऑक्सीजन के पास 32 ग्राम पाया गया है। तब एम्पिरिकल फॉर्मूला यौगिक का क्या हो सकता है? तो सर ये सबसे पहले बताइए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात को एम्पिरिकल फॉर्मूला बोला जाता है। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से हम लोग प्राप्त करते हैं वही हमारा दोस्त ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। अब देखिए दोस्त एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट मेरा कार्बन है, एक एलिमेंट मेरा हाइड्रोजन और एक एलिमेंट मेरा ऑक्सीजन है। तो देखिए दोस्त हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल बराबर मास बटा मोलर मास होता है। तो कार्बन का मास दिया गया दोस्त 24 ग्राम, यहाँ ऊपर में लिख दिया 24 ग्राम। अब कार्बन का हमको एटॉमिक मास लिखना है। तो देखिए दोस्त कार्बन का अगर मोलर मास की बात किया जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 हो गया। दिया गया मास 24 ग्राम है और कार्बन का एटॉमिक मास मेरा दोस्त 12 होता है। नीचे में लिख दिया 12, 12 को 2 से भागा देंगे तो 12 दूना 24 हो गया। अब हाइड्रोजन का निकालते दोस्त, हाइड्रोजन का दिया गया मास 4 ग्राम है तो ऊपर में 4 लिख दिए और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है तो नीचे 1 से भागा दिए तो 4 को 1 से भागा देंगे तो 6-6 प्राप्त होगा। फिर ऑक्सीजन का दोस्त हमको देखिए, ऑक्सीजन का दिया गया मास है 32 ग्राम तो गिवन मास है मेरा 32 ग्राम और बटा में लिखना हमको मोलर मास। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास मेरा 16 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है दोस्त, यहाँ पर लिखिए 16 दुना के दोस्त 32। तो कार्बन का 2 एटम प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन का 4 एटम प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन का 2 एटम प्राप्त हुआ। देखिए दोस्त एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, परमाणु की वास्तविक संख्या को ही हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। कार्बन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का 4 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा या ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब देखिए दोस्त जब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होता है ना तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं और कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो फॉर्मूला प्राप्त होता है ना उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 में कॉमन फैक्टर हमारा दोस्त 2 है, कॉमन फैक्टर का सिंबल हो गया स्मॉल है तो कॉमन फैक्टर 2 हो गया। मतलब तीनों कंपाउंड से हम लोग 2 को कॉमन निकाल रहे हैं तो 2 को कॉमन निकाल दिए दोस्त, तो मैं 2 को सही से भागा दे दीजिए तो 2 एकम 2 तो 6 कार्बन बचा, 2 दुना 4 हाइड्रोजन का 2 एटम बचा, 2 एकम 1 तो 6 ऑक्सीजन बचा। ये जो मेरा CH2O प्राप्त हुआ दोस्त यही मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यह आपका दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का एम्पिरिकल फॉर्मूला वो दोस्त CH2O। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए CH2O फुल एसिड क्या हो गया? करेक्ट। तो दोस्त वो किसी और से भेज के आ रहे हैं फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं और उस बेवफा से मानसू कुमार कितना प्यार कर रहे हैं।